ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों के समर्थन में संकल्प लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि किसान अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और किसानों के ऊपर झूठे केस चलाए गए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि बीजेपी को हराएंगे। साथ ही साथ कहा कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, चुनाव आयोग नियमों का पालन करने के आदेश दे। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। तो आपको बताते चले, किसानों के समर्थन में उन्होंने संकल्प लिया और अन्याय के खिलाफ किसानों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, अखिलेश यादव ने कहा कि वो किसानों का पूरा समर्थन करते हैं। जी हाँ, और अब आपको बताते चले, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताते चले, एआईएम के अध्यक्ष अश्विदीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। हम यूपी में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ ओवैसी ने कहा कि यूपी में मैंने 60 से ज्यादा रैली की है जिनका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। अश्विदीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी की है। आपको बताते चले, पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे ओवैसी। यूपी में मैंने 60 से ज्यादा रैलियां की, उन्होंने इसकी भी जानकारी दी है। मुजफ्फरनगर सपा लोकदल के समर्थन के बाद बैकफुट पर नरेश टिकैत। चुनावी दौरे में टिकैत ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, मेरा किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। हो सकता है हमारे मुंह से बातचीत के दौरान थोड़ी बहुत कोई बात निकल गई हो, लेकिन आपको बताते चले, नरेश जनता पर निर्भर है, सभी शांति के साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये ठीक बात है। चुनावी दौरे में हम सबको एक नजर से देखेंगे, भाजपा बसपा वाले भी आएंगे, उन्हें भी निकाला नहीं जाएगा। तो भी राजपाल वाले गए थे और कोई गया नहीं? राजपाल वाले गया, चंदन चौहान गया, अशरफ गया, पंकज मलिक गया, और तो घर है उनका स्वागत। आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी की जनता का क्या कुछ कहना है। यूपी की जनता किसको इस बार राज की गद्दी सौंपना चाहती है? होगा, परिवर्तन हो रहा है, समाजवादी सरकार आ गई है। ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में अगर किसानों के ऊपर गालियां चढ़ाई जाएंगी, लाठी चढ़ाई जाएंगी, तो किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंकलाब अखिलेश जिंदाबाद। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ पूर्ण विश्वास के साथ कदम से कदम मिला रहा है और कोविड महामारी के अंदर या दूसरी किसी भी क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने मील का पत्थर रखा है जिसे दूसरी पार्टी छू भी नहीं सकती है। राम राज आ जाएगा। राम राज आया नहीं, ये रावण के राज के पच्चीनों पे चले, महिलाएं जलाई गई, किसानों की हत्या हुई, किसानों को बर्बाद कर दिए, किसान की जमीन लेने की योजना बना के आ गए और गाय को तड़पा तड़पा मार रहे हैं, गंगा में मानव का शव सड़ा। तो निश्चित तौर से पूरा जनमानस जो बेरोजगार आज नौजवान आया अपना नौकरी मांगने के लिए, इन्होंने लाठी बरसाने का काम किया। और क्या? ग्रेटर नोएडा में बच्चे को काटते हुए कुत्ते का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोड व्हीलर प्रजाति के कुत्ते एक बच्चे को काटता नजर आ रहा है। वहीं वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीच बचाव के बावजूद भी कुत्ते ने बच्चे को नहीं छोड़ा। बादलपुर थाना क्षेत्र का यह मामला आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर दी है। तो ग्रेटर नोएडा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक कुत्ता बच्चे को काट रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रोड व्हीलर प्रजाति का एक कुत्ता एक बच्चे को निशाना बना लेता है और
कुत्ते को मारने के बावजूद भी उसे लाठी डंडे से मारा जाता है, उसके बावजूद भी वो बच्चे को नहीं छोड़ता है। तो बादलपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुत्ते ने किस तरीके से बच्चे को दबोच कर रखा हुआ है और बीच बचाव करने के बावजूद भी वो बच्चे को नहीं छोड़ता है। मैनपुरी में पुलिस की हाथ तस्करी करके लाई जा रही शराब का जखीरा हाथ लगा। पुलिस ने एक अपराधी को हिरासत में लिया है जो शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने यह जानकारी मीडिया से साझा की है। पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब हरियाणा से अंग्रेजी शराब तस्करी के लिए मैनपुरी लाई जा रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक बड़े टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। तो मैनपुरी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। तस्करी के लिए शराब लाई जा रही थी। आपको बताते चले आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। अब जानते हैं चुनाव के दृष्टिगत हमारी जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान बैरियर्स लगाकर हो रहा है, साथ में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड और साथ में SST की विटी में दिन रात काम कर रही हैं। इसी क्रम में थाना LIU और सर्विलांस की हमारी जो टीम थी, ये ऐसी ओपनी सूचना के आधार पर कुछ नंबर जो सर्विलांस पर थे उस आधार पर ये एक गुजरात नंबर की ट्रक जो कि अंग्रेजी शराब लाद करके जनपद सीमा में प्रवेश कर रही थी। ऐसी संभावना थी कि ये बिक्री के लिए चुनावों में प्रभावित करने के लिए, इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा इसको ट्रैप किया गया और इसमें लगभग 340 पेटी अंग्रेजी शराब जो हरियाणा से स्मगल होकर के आ रही थी और इसको फिर हम लोगों ने आज चालक को अरेस्ट किया है। लखनऊ में ब्लू डॉट एक्सप्रेस कोरियर कंपनी के पिकअप से लाखों का गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी खोने का चोरी का मामला सामने आया। आपको बताते हैं चलें आरोपी 10 लाख का गोल्ड और डायमंड चोरी करके घटना को अंजाम देने में लगे थे। उसी दौरान वहां पुलिस की टीम ने आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। छानबीन के दौरान आरोपियों के पास से लाखों की कीमती गहने और डायमंड बरामद हुए हैं। पुलिस सख्ती से एक्शन लेते हुए मामले की कार्रवाई में जुट गई है। कितने दिन पहले कुरियर भेजा जाता है उसमें से पैकेज गायब है, चोरी कर लिया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है हाई वैल्यू पैकेज था। निरंतर हमारी टीम इस पे काम कर रही थी और जो हमारी टीम है उसमें मेनली प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी लीला और उनके साथ में हमारा एक हेड कांस्टेबल है, उसने बहुत ही मेहनत से इस कार्य को अंजाम दिया और 100% रिकवरी पूरे जो सामान है उसकी उनके द्वारा की गई। ये जो माल है ये तकरीबन इसकी वैल्यूएशन 10 लाख की है और ये सोने और जो पीली धातु होती है और जो डायमंड्स हैं उनका माल था। कुरियर कंपनी को ये डिलीवरी के लिए दिया गया था और इसी में दो लड़के जो पूर्व में इसी कुरियर कंपनी में काम करते थे उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इन दोनों का नाम राजू तिवारी और शुभम तिवारी है। ये दोनों जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर में भी इन्होंने एक चोरी को अंजाम दिया जिसका भी खुलासा हमारे द्वारा आज यहाँ किया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है टीम द्वारा और अब इनको सुसंगत धाराओं में रिमांड के लिए, न्यायिक अभिरक्षा के लिए हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए पूर्व में ये लोग क्योंकि इसी कंपनी में कार्य कर रहे थे तो इनको जो कंपनी की वर्किंग थी पूरी
वो अच्छी तरीके से पता थी कैसे हम लोग कैसे इस कंपनी में माल का मूवमेंट होता था, कहाँ डिलीवरी जाती थी, ये सब भी इनको जानकारी थी। अन्य चीज़ें भी हैं जिन्होंने पूछताछ में बताई हैं जो कि विवेचना का पार्ट है, वो यहाँ डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने इस बारे में बताया और यहीं से इनके दिमाग में आया कि ये कार्य किया जा सकता है, अगर हम यहाँ से पैकेज को चोरी कर लेंगे तो हम कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट अपने पास पा लेंगे और उसको बेचकर हम लोग धन कमा सकते हैं। इसी के उद्देश्य से इन दोनों ने ये प्लान बनाया था। ब्रदर्स बेचने की फिराक, ये सब विवेचना का पार्ट है और इन्होंने अन्य जानकारियां भी दी हैं, इन्होंने अन्य लीड्स भी दी हैं, हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। यही लोग इस घटना को कारित कर रहे थे, कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लोग सामने? हम लोग लगातार काम कर रहे थे इस बात पे कि क्या चोरी की पॉसिबिलिटी है, कौन चोरी कर सकता है। जो करंट लोग काम कर रहे थे, जो पूर्व में लोगों ने काम किया था, उन सभी का हम लोगों ने चेक कराया। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस है उसका भी इस्तेमाल किया गया, जो मैनुअल सर्वेलांस है उसका भी इस्तेमाल किया और तभी इन दोनों के नाम हमारे पास आए कि ये संभावित है कि इन लोगों द्वारा चोरी की जा सकती है। और जब हम लोगों ने इस पर लीड्स डेवलप करी तो हमको इसमें सफलता प्राप्त हुई। देखिए ये एक डिलीवरी थी और डिलीवरी जो कंपनी है उसके द्वारा ये मुकदमा हमारे पास दर्ज कराया गया। ये किसको जा रहे थे, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द डिलीवरी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।